हेलो फ्रेंड्स एंड दगड़ियों, बड़ों को फैला छोटों को प्यार। मैं हूँ सोनिया उत्तराखंड से। तो सबसे पहले तो सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपके नवरात्र बहुत अच्छे से जाए, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो मैंने भी व्रत रखे हैं नवरात्र के, आज पहला दिन है और मेरी तैयारी अभी चल रही है। बस नहा धो के मैं पूजा करने के लिए अभी जा रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेले हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारा काम करना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गया है, बट इट्स ओके। चलो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे नवरात्र में पूजा करती हूँ। मतलब पूरा अपना डेली का ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह से शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज नवरात्र का पहला दिन है। पहला दिन जो होता है वो माता शैलपुत्री का होता है, जिसे कि पहाड़ों की बेटी भी कहा जाता है। और ये इनकी जो सवारी होती है वो बैल होती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल होता है। और इनको जो भोग चढ़ता है वो शुद्ध देसी घी का भोग इनको चढ़ता है। और इनका जो पसंदीदा कलर था वो नारंगी कलर, ऑरेंज कलर रहता है। तो यहाँ मैं भी अपनी पूजा वगैरह, मंदिर साफ सफाई करने के बाद मैं भी तैयार हो रही थी, मतलब अपना पूजा शुरू कर रही थी। टीका चंदन पूरे मंदिर में एंड पूरा मैंने भगवान जी को अपना टीका चंदन अर्पित किया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बैठ के पूजा करी। नवरात्र में पूजा करके मन तो बहुत ज्यादा, मतलब संतुष्ट होता है। मुझे तो बहुत, नवरात्र शुरू होते हैं मुझे बहुत एक अलग सा, मतलब आनंद सा महसूस होता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं ये व्रत जो है ना स्कूल टाइम से करती हूँ, तो मैं हमेशा से 9 के 9 फास्ट रखती हूँ। अभी लास्ट कुछ ईयर मैंने 2 साल मैंने फलाहारी वाले व्रत किए थे। तो इसमें आप फलाहारी भी कर सकते हो, नॉर्मल रोटी वगैरह भी खा सकते हो। हाय फ्रेंड, सो आज सुबह मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा करने में, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो सारा कुछ करना था। बाकी अब वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा, तो मैं सुबह तो किसी मंदिर जा नहीं पाई थी। अभी मैं शाम के टाइम घर के पास ही एक मेरा मंदिर है, जहाँ पे कि मैं जब भी नवरात्र के फास्ट रखती हूँ तो मैं हमेशा वहां पे जाती हूँ दर्शन के लिए। तो अभी मैं वही मंदिर जा रही हूँ, आज आप लोगों को भी मैं वो मंदिर दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मंदिर पे, बाय बाय। उसके बाद इवनिंग टाइम पे हम गए थे, मेरे घर के पास ही ये मंदिर है, ये भी माता रानी का ही मंदिर है। इसमें वैसे माता रानी का भी है और भोले का भी है और हनुमान जी भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट इसमें थोड़े बहुत देवी देवता हैं। तो यहाँ पे ये हमेशा, मतलब शाम के टाइम ही मोस्टली बंद रहता है, सुबह के टाइम शायद ही खुलता होगा। वैसे मैं सुबह के टाइम यहाँ नहीं गई, मैं जब भी व्रत रखती थी मैं शाम को ही जाती थी। एक चक्कर में यहाँ पे जरूर जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, ये बहुत देर से पूजा कर रहा था, कुछ आई थिंक इसकी भी कुछ विश होगी। एंड पता है मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पे दिया बाती ले जाने भूल गई। मैं मंदिर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने जो भीड़ चढ़ाने के पैसे थे वो लिए और मैं दिया बाती ले जाना ही भूल गई। तो नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी। फिर हम लोग वापस आ गए थे, फिर मैंने घर आके यहाँ पे पूजा करी प्रॉपरली, दिया बाती वगैरह करके। तो आप भी मुझे बताना फ्रेंड्स, आप लोग कैसे पूजा करते हैं। द्वीपो ज्योति परम ज्योति, द्वीपो ज्योति जनार्जन, द्वीपो हरतु मे पापम, द्वीपो ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संप्रदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मेरी मैया रहती है,
ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मेरी मैया रहती है, ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। 9 लख बिछवे माँ तेरे लिए लाए हैं, 9 लख पायल माँ तेरे लिए लाए हैं। पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं, पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मेरी मैया रहती है, ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। 9 लख साड़ी माँ तेरे लिए लाए हैं, 9 लख चुनरी माँ तेरे लिए लाए हैं। पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं, पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मेरी मैया रहती है, ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। 9 लख हार माँ तेरे लिए लाए हैं, 9 लख नथनी माँ तेरे लिए लाए हैं। पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं, पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मेरी मैया रहती है, ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। 9 लख झुमके माँ तेरे लिए लाए हैं, 9 लख बिंदिया माँ तेरे लिए लाए हैं। पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं, पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मेरी मैया रहती है, ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। 9 लख कजरा माँ तेरे लिए लाए हैं, 9 लख टीका माँ तेरे लिए लाए हैं। पहनो 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 माँ तेरे भक्त पहनावे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मेरी मैया रहती है, ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। 9 लख मुकुटा माँ तेरे लिए लाए हैं, 9 लख मुकुटा माँ तेरे लिए लाए हैं, 9 लख गजरा माँ तेरे लिए लाए हैं, 9 लख गजरा माँ तेरे लिए लाए हैं। पहनो
पहनो पहनो माँ तेरे भक्त पहनावे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मेरी मैया रहती है, ऊपर माँ जी आप रहती, नीचे भक्तों का डेरा है। मैं जब भी मंदिर में पूजा करती हूँ ना, तो मैं हमेशा भजन गाती हूँ, और नवरात्र में तो मेरा हमेशा, तो आपको भी वीडियो में वो सुनने को मिलेगा। आप मुझे बताना आपको मेरा भजन कैसा लगा, ठीक है? और पूजा करके मन की शांति तो मुझे बहुत ज्यादा मिलती है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा वगैरह करके। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी पूजा खत्म हो गई है, आपने देख लिया होगा, जस्ट मैं अभी पूजा फिनिश करके आई हूँ। अब बारी है मेरा खाना बनाने की, तो अब मैं जा रही हूँ कुकिंग के लिए। ये भोजन था गौ माता के लिए, खीर एंड आलू के सिंपल वाले पराठे विदाउट लहसुन प्याज, और ये मैंने भगवान जी को खीर चढ़ाया था, और ये था मेरा खाना बिल्कुल शुद्ध वाला सिंपल। हे फ्रेंड्स, सो अभी मैंने खाना वगैरह सारा खा लिया है, खत्म हो गया है मेरा आज का व्रत। अब मिलते हैं कल को। आई होप आपका दिन भी अच्छा गुजरा हो एंड माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। तो अब मैं डालूंगी नया कल का वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सबको शुभ नवरात्रि एंड शुभ रात्रि एज वेल, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।